केरल स्टोरी फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिल्म पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केरल हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्योंकि फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है, इसलिए हाई कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई पर विचार कर सकता है। दी केरल स्टोरी को लेकर विवाद हो रहा है, फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई थी। मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दी केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट उपाय के तौर पर नहीं आ सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, हम यहाँ सुपर हाई कोर्ट नहीं बन सकते हैं। अदा शर्मा स्टारर दी केरल स्टोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया कि फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन ISIS की आतंकी बन गई। दी केरल स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ है। याचिका में दी केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दी केरल स्टोरी को लेकर मचे बवाल के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म के 10 कॉन्ट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। दी केरल स्टोरी से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का वो बयान हटा दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा क्योंकि युवाओं को इस्लाम के लिए प्रभावित किया जा रहा है। फिल्म में से वो सीन भी हटाया गया है जिसमें एक हिंदू भगवान को गलत तरीके से दिखाया गया। फिल्म के डायलॉग भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़े पाखंडी हैं में से भारतीय शब्द को भी हटाया गया है।